अच्छा नंबर फाइव। अच्छा इसमें कुछ नई टर्म्स है, मैं पढ़ा दूंगा बाद में अभी नहीं बोली। अच्छा इसमें कुछ नई टर्म्स है, ये पहले डिस्कस कर ले, उसके बाद क्वेश्चन तो आता है। अच्छा स्टार्ट में क्या दिया, वो स्टॉक है, फर्स्ट अक्टूबर यूज रहेगा ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद है कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड है, फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तब ये क्या होते हैं, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये क्या होता है। कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ कैरेज मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो कैरेज का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। इसकी नेचर क्या होगी, इधर आपको मना किया, काम हो जाता हूँ बाद में, मैं काम हो जाता फिर बोलू, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन की नेचर क्या होगी, एक्सपेंस होता है। अच्छा अभी इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या डिफरेंस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड। इन्वेंट्री आते हुए पे करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, और जाते हुए कुछ ऐसा ही है। देखिए तुम गुड्स परचेज करके लाते हैं, जब गुड्स बाय करके लाते हैं तो किसी में ट्रांसपोर्ट में लाएंगे ना, सुजुकी, रिक्शा, टैक्सी, ट्रक वगैरह में, तो उसको जो ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे परचेज के टाइम पर वो कहलाएगा कैरेज इनवर्ट, खरीद के वक्त। और अब हम गुड्स सेल कर रहे हैं, इधर एक मिनट, इसी कैरेज हो गया ट्रांसपोर्टेशन। और इनवर्ट मीन्स के जब हम गुड्स बाय करके लाएंगे परचेज के टाइम पर, जो ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे वो क्या रहेगा, कैरेज इनवर्ट। और अब हम गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स हमने सोल्ड किए और कस्टमर को हम गुड्स डिलीवर करके आ रहे हैं, ठीक है। अब डिलीवरी के टाइम पर जो ट्रांसपोर्टेशन हम पे करेंगे वो क्या रहेगा, कैरेज आउटवर्ड। और दोनों की नेचर क्या होगी, एक्सपेंस। तो ये तो हो गया कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, बैठ जाए। अच्छा इसके बाद देखा हमें रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये क्या है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड लिख ले, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न को कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड गुड्स हमने सेल किए रिटर्न हो गए, तो रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न। ये भी लिख ले आगे, हाँ रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न। बाकी सारी टर्म सेम है। अब इसका इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, पहले इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेल। तो सेल्स कितनी है, अच्छा इसमें देखिए फॉर्मेट में तीन कॉलम बने हुए, आप तो दो कॉलम ही बनाएगा, वो थर्ड कॉलम एक्स्ट्रा है। ओके सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स कितनी है, 80,400, ठीक है सेल्स आ गई। अच्छा अब इसमें जो कल हमने क्वेश्चन किया, सबसे सिर्फ सेल्स थी, सेल्स रिटर्न नहीं थी। अब इसमें सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट्स भी दी थी आपको, तो रिटर्न इनवर्ट से आपकी इनकम पर क्या इफेक्ट आता है, देखिए सेल्स का क्या इफेक्ट होता है, सेल्स सेल्स की नेचर क्या है, सेल्स की नेचर क्या है, इनकम। जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो इनकम इंक्रीज होगी, और जब सेल्स रिटर्न होगी तो डिक्रीज होता है। अब हमने 3,80,400 की गुड्स सेल की, जिसमें से 3,700 की 1540 के आपके सेल इनवर्ट।
1540 की रिटर्न आपके इनवर्ड हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, तो इससे आपकी इनकम क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगी नेट सेल्स आ जाएगी। दो कॉलम है क्या, तीन? हाँ हाँ, अभी देखते जाए तो सबर कर ले, क्या हो गया। ओके, अब सेल्स में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स माइनस हो गई, तो हमारे पास क्या जाएगी? नेट सेल्स आ। आप इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में कुछ ज्यादा चीजें आ जाएंगी, कुछ आइटम ज्यादा है। अब देखिए, यहाँ पे पहले क्या किया, स्टॉक फर्स्ट अक्टूबर, ये आपका ओपनिंग स्टॉक स्टार्ट हो गया। उसके बाद परचेजेस है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, और आखिर में क्लोजिंग इन्वेंटरी भी दी हुई है ना। तो इसमें वो जो लास्ट वाली इक्वेशन मैंने लिखवाई थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, वो यूज होगी। अच्छा, इसका बताएं, ये जो कैरेज इनवर्ड है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, इसको हम परचेज में एड कर लेते। अच्छा, कल इक्वेशन लिखवाई थी मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली ना, जो लास्ट इक्वेशन थी वो वाला पेज ओपन कर लेते, लास्ट इक्वेशन वाला, थर्ड इक्वेशन जो लिखवाई थी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन्वेंटरी एट स्टार्ट कितनी है? 41,600। पहले हम लिखेंगे इन्वेंटरी एट स्टार्ट 41,600। इसके बाद मैं ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस कितनी है? 188,430। परचेजेस ऐड होगी। इसके बाद कैरेज इनवर्ट या ट्रांसपोर्टेशन इन, तो कैरेज इनवर्ट इसमें ऐड होगा। कैरेज इनवर्ट कितना है? 37 है, 37,700 बिल लेना। 1, 2, 3 थर्ड पे लिखो, यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3 कैरेज इनवर्ट 37 है ना, 37 ठीक है। तो ये 3,700 कैरेज इनवर्ट ऐड हो जाएगा। इसके बाद परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, अब रिटर्न आउटवर्ड है 3,410 माइनस करेंगे। तो ये हमने रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न माइनस की। इसके बाद इन्वेंट्री एट एंड या क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 44,780 माइनस करेंगे इसमें से। अच्छा, इसके देखिए पहले यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, यहाँ तक का काम कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ट माइनस परचेज रिटर्न, यहाँ तक का टोटल कितना आ रहा है? 2,30,320। तो ये कहलाएगा क्या? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि इतना स्टॉक पूरे साल सेल के लिए अवेलेबल था। अब इसके बाद ईयर एंड पर स्टॉक कितना बचा? 44,780। तो ये इसमें से माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आउटपुट आएगा ना, ये निकालिए कि टोटल स्टॉक कितना था, फिर हमने बताया इतना बच गया तो बाकी ऐसा नहीं था। ओके, अब नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यहां तक कॉपी कर लें। तो
अच्छा यहाँ एक पॉइंट और है, वो नोट कर लेते हैं। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक चीज और आती है इसमें, और उसे हम कहते हैं अदर इनकम। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लिखते हैं अदर इनकम। अभी बात करें, अच्छा अदर इनकम क्या हो सकती है? एक तो आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम वो तो हो गई सेल्स। अच्छा इसके अलावा अदर इनकम क्या हो सकती है? कमीशन हो सकता है, रेंट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, और एक चीज होती है डिस्काउंट रिसीव। ये आपकी कहलाती है अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। अगर सेल्स के अलावा कोई और साइड इनकम आपकी है तो वो कहलाएगी अदर इनकम। और जैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इस तरह से। जैसे आपकी शॉप है, साइड में कॉर्नर की जगह आपने किसी को रेंट पे दे दी, पीछे लोड वाले को बिठा दिया, से रेंट ले रहे हैं, तो अदर इनकम हो गई, साइड इनकम हो गई। दुकान के सामने आती कोई स्टॉल लगवा लेते लोग, उससे पैसे ले रहे होते हैं, साइड इनकम हो गई। तो मेन इनकम तो आपकी सेल्स होंगी, फिर वो साइड इनकम हो गई, वो अदर इनकम कहलाएगी। अदर इनकम अब मैंने लिख दिया क्या क्या आ सकता है, डिस्काउंट रिसीव। अभी डिस्काउंट रिसीव क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल में बताता हूँ। कमीशन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट में बता रहा हूँ, बता अदर इनकम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आपके पास उसका सम कर लेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन में कोई अदर इनकम नहीं है, मैंने अमाउंट की जगह क्रॉस डाल दिया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करेंगे फिर टोटल कर लेंगे, तो फिलहाल टोटल वही रहेगा क्योंकि अदर इनकम नहीं है। अच्छा वेयर हाउस रेंट जो आप कह रहे हैं वो एक्सपेंस है, डेबिट पे आ रहा है, हमने दिया है। अगर इनकम होती ना तो क्रेडिट पे दिखाता। तो ये पॉइंट नया याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में पहले अदर इनकम ऐड करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होते हैं। अदर इनकम अलग से गिवन होगी क्वेश्चन में लिखा होगा, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव मेंशन होगी क्वेश्चन। तो फिलहाल क्वेश्चन में कोई इनकम नहीं। इसके बाद आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अब हमने एक्सपेंसेस माइनस करने, ओके अब एक्सपेंस कौन कौन से हैं? ठीक है स्टार्ट से चलते हैं। सबसे पहले तो अपनी कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, कैरिज आउटवर्ड इनवर्ड तो परचेज में ऐड हो गया। कैरिज आउटवर्ड इसके बाद एक्सपेंस था, हम गुड्स डिलीवर करके आ रहे हैं कस्टमर को, हम ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। जैसे यानी जो फ्री डिलीवरी होती है, जो पिज्जा वगैरह जैसे आप कुछ ऑर्डर करते हैं फ्री डिलीवरी, वो कंपनी तो पे कर रही होती है ना ट्रांसपोर्टेशन। एक पिज्जा आपने ऑर्डर किया आपको डिलीवर तो फ्री होता है वो, लेकिन कंपनी तो ट्रांसपोर्टेशन पे करती है ना, कंपनी तो वो राइडर को पे कर रही है ना, कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होगा। क्या कह रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर करें फ्री होता है, क्यों नहीं होता, हमारे तो फ्री होता है, फूड पांडा से नाम है ना। फूड पांडा से नाम मंगवाए डायरेक्ट पिज्जा वाले तो चाय पानी लेता है, नहीं होता, मैं तो नहीं देता, मुझसे तो नहीं लेता। अभी ऑर्डर करें फ्री आएगा, अभी आप ऑर्डर करें
राइट यहाँ पर से कैन ऑर्डर हो गया। उसके बाद डायरी पेमेंट, वेयर हाउस रेंट, इंश्योरेंस, होटल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, नाइट मीटिंग, जनरल एक्सपेंस। अभी एक्सपेंसेस कॉपी कर रहे थे, आप एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे। ये लाइटिंग और ये हीटिंग, हीटिंग कूलिंग, यहाँ कूलिंग होती है, हीटिंग नहीं होती। लाइटिंग एंड कूलिंग करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज में सर्दी ज्यादा होती है तो वहाँ हीटर लगे होते हैं। पाकिस्तान के हिसाब से ही हो जाएगा लाइटिंग एंड कूलिंग। लाइट जल रही है ना, बिल तो आता है ना, लोग बिजली आए ना, बिल तो आता है, बस कुंडली पे नहीं आता। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने लिखी थी, क्या होती है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज या लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, एक ही बात हो जाती है। अच्छा, इक्विटी में क्या आ जाता है, इक्विटी में क्या क्या आता है, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आ जाती है। अच्छा, इसको अगर हम इसको इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इसे अगर थोड़ा एक्सपेंड करें तो इस तरह लिखा जा सकता है ना। इक्विटी में क्या आता है, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग, और एक नई चीज आ गई, एडिशनल इन्वेस्ट। एक आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटल, और अगर कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं एडिशनल इन्वेस्ट। अच्छा, इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट हमने किस तरह कैलकुलेट किया था, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग। अच्छा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की एक एक्सपेंडेड फॉर्म, एक ही बात है, मतलब ये आपकी बेसिक इक्वेशन है, इसको आपने एक्सपेंड किया और फर्दर एक्सपेंड, तो ये आप कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की एक एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, ये लिखवाने की वजह कि इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है, आप इससे क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं आपसे, वो आपने कोई एक्सपेंस पे किया, कोई भी एक्सपेंस पे किया, रेंट पे किया, सैलरी पे की, अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर बताएं क्या इफेक्ट होगा। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस आपने पे किया, अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए, एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एसेट डिक्रीज होंगे, एसेट तो हो गए डिक्रीज, और सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, तो एक्सपेंस इंक्रीज होने से आपकी इक्विटी कम हो गई, एक्सपेंस माइनस हो रहे, तो दो इफेक्ट क्या होंगे इसके, एसेट डिक्रीज इक्विटी या कैपिटल डिक्रीज, इस तरह क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो उसका कैपिटल या इक्विटी पर क्या इफेक्ट होगा, एसेट डिक्रीज होंगे और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होने से आपकी इक्विटी डिक्रीज हो जाए।
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आपने कोई आपको इनकम मिल रही है, जैसे कमीशन आपने रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, या गुड्स आपने सेल किए हैं प्रॉफिट पर, गुड्स आपने सोल्ड की प्रॉफिट पे, अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होगा? एसेट इंक्रीज होंगे और इक्विटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि रेवेन्यू इक्विटी में ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये लिखते हैं कॉमन। जैसे इस तरह क्वेश्चन हो सकता है, 1000 आपने गुड्स सेल किए जिनकी कॉस्ट थी 1000, सोल्ड आपने की 1500 में। 1000 कॉस्ट है आपकी गुड्स की, 1500 में आपने गुड्स सोल्ड की, अब अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट आएगा? एसेट इंक्रीज, कैपिटल या इक्विटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी ना, कितने से? 500 से, क्योंकि 1000 की गुड्स 1500 में सेल हो रही है, 500 से एसेट इंक्रीज होंगे, 500 से आपकी इक्विटी कैपिटल इंक्रीज। इस तरह के क्वेश्चंस में ये इक्वेशन आपकी यूज होगी, इस तरह पूछ सकते। ये हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन की एक एक्सपेंडेड फॉर्म, कॉपी कर लिया लिख लें। तो इसके बाद देखें, अच्छी हमारी इक्वेशन फिर लिखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। अच्छा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज को इक्विटी कहते हैं और एसेट माइनस लिक्विडिटीज लाइबिलिटीज को हम नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के डिफरेंस को नेट एसेट भी कहता हूँ। ये आपके टोटल एसेट्स हैं, एसेट्स से आपने लाइबिलिटीज पे कर दी, माइनस कर दी, तो जो बचेंगे वो नेट एसेट्स कहलाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन में आप नेट एसेट का वर्ड यूज हो, इक्विटी का वर्ड यूज हो, बात एक ही होगी, और कभी कभार वो कैपिटल का वर्ड यूज करता है तो भी एक ही मतलब। ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में नेट एसेट यूज हो, इक्विटी के वर्ड यूज हो, या कैपिटल का वर्ड यूज हो, बात एक ही। तो ये कॉपी कर लें। अच्छा बात लिखें, बिजनेस इक्वेशन। अब बिजनेस इक्वेशन क्या होती है? तो देखिए, ये हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, कुछ टाइम के बाद फर्दर हमने इन्वेस्टमेंट की, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा, बिजनेस चलता रहा, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। और पूरे साल में कुछ हमने ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स इसमें से माइनस हो जाएंगी। अब ईयर एंड पर कैपिटल कितना बचेगा? 1,60,000। 1 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और ईयर एंड पे कैपिटल हो गया 1,60,000। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन फॉर्म में लिखें, तो इक्वेशन क्या बनेगी? कैपिटल एडिशन स्टार्ट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल है, को इक्वेशन फॉर्म में इस तरह आप लिख सकते हैं। अच्छा, अभी एक इक्वेशन बन गई, इसमें अगर कोई भी वैल्यू आपको मिसिंग हो तो वो इक्वेशन को अरेंज करके आप फाइंड कर सकते हैं, मैथ्स की इक्वेशन की तरह ना। अच्छा, नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं इस पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, बाकी वैल्यूज गिवन होंगी, कैपिटल एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्राइंग, वो आपसे कहेगा कैपिटल फाइंड प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो प्रॉफिट के लिए इसको अरेंज करें तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए, कैपिटल एंड स्टार्ट लेफ्ट पे जाकर माइनस होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेफ्ट पे जाकर माइनस, ड्राइंग्स लेफ्ट पे जाकर प्लस हो जाएगी, ठीक, प्रॉफिट यहीं पे रहेगा। तो प्रॉफिट के लिए इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी ना, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब आंसर जो आएगा प्रॉफिट होगा या लॉस वो कैसे पता चलेगा? नेगेटिव अगर हुआ तो लॉस, पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट। अच्छा, क्या इससे ज्यादा कि ड्राइंग यहाँ पर ऐड हो रही है, तो अक्सर अब बाद में स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ड्राइंग को तो हम माइनस करते हैं प्लस क्यों कर रहे हैं,
तो ड्राइंग माइनस ही हो रही है, तो हमने इसको रीअरेंज किया तो प्लस में चली गई, ठीक है। ड्राइंग माइनस ही हो रही है, ओरिजिनल इक्वेशन में ड्राइंग माइनस है तो इसको हमने अरेंज किया तो ये प्लस साइन आ गया ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहा। ओके, तो ये इक्वेशन कहलाती है बिजनेस इक्वेशन, जिससे हम अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कॉपी करें, फिर इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हम वो सॉल्व करेंगे ब्रेक के बाद।